देखिए, अगर आपको भी ये शानदार टिफिन स्नैक बिना ब्रेड के बनने वाला बर्गर बंस हमने यहाँ पे बनाए हैं, तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए, आज हम आपके लिए ये जबरदस्त, आप घर तो देख ही रहे हैं पर हम आए हैं विद द वेरी लवली एंड टैलेंटेड नेहा अग्रवाल की किचन में, हैप्पी किचन में। आज एक और टिफिन स्नैक रेसिपी आपको दिखाने, और आज हम बनाने सूजी बर्गर। राइट, सूजी बर्गर। ये सूजी से आप बर्गर कैसे बना सकते हैं, ये शानदार टिफिन स्नैक की रेसिपी नेहा दिखाएंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत उन्होंने करी है। तो स्टार्ट करें। नेहा बताइए, ये सूजी है, ये मैंने बारीक सूजी लिया, चिरौटी सूजी। आप चाहे तो मोटी सूजी को भी पीस सकते हैं। तो जितनी सूजी उतनी दही लेनी है हमको। ये छोटा वाला एक बाउल सूजी है, तो मैं एक बाउल इसमें दही लूंगी। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में, जहाँ पे आप रोज देखते हैं एक नई रेसिपी माँ के हाथ की बनी हुई नई किचन्स में। और आज तो हम आए हैं हैप्पी किचन में, आप देख सकते हैं। तो हैप्पी होके यहाँ पे बना रहे हैं सूजी बर्गर। अब ये सूजी को हमको 10 मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम के लिए रखना होता है। तो ये हम रख दिए, और ये एक बैच हम ऑलरेडी बना के रखे हैं। और ये फूल जाती है क्योंकि सूजी जो है वो दही एब्जॉर्ब करती है। ये सूजी फूल जाएगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी, बैटर की कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे नमक और सोडा। ये देखिए, बैटर इस कंसिस्टेंसी का रहेगा। अब इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट एज पर टेस्ट और सोडा। तो ये नॉर्मल बेकिंग सोडा है? यस, ये नॉर्मल बेकिंग सोडा है। आप चाहे तो इनो भी यूज कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी इसको एक्टिवेट करने के लिए। और इसको हम मिक्स करेंगे। तो मिक्स हो गया। अब इसको हम बर्गर बंस बनाने के लिए, ये बाउल है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये पूरे बाउल में हम इसको स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे। अब इस पे हम ये बैटर डालेंगे। ये आधी कटोरी बैटर डालेंगे क्योंकि ये फूल के ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। देखिए, जब तक नेहा बैटर डाल रही है तो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक कढ़ाई ली है डीप बॉटम की, और उसमें एक स्टैंड रख दिया है। अच्छा, इसमें नींबू भी रखा हुआ है, इसका रीजन क्या है नेहा? ये जो काला नहीं होता इससे कढ़ाई हमारा, कढ़ाई एज इट इज क्लीन रहेगी। तो ये तो बहुत ही अच्छा टिप है ना नेहा। ये देखिए, मॉम्स के पास टिप्स भी होती है, कढ़ाई एकदम क्लीन रहती है। अच्छा, ये स्टैंड में मैं ये दोनों बाउल को रख दूंगी जो हमने बनाया है। अब इसको हम ढक देंगे। और कौन सी फ्लेम पे? ये मीडियम हाई फ्लेम पे 15 मिनट हमको करना है। और ये मैंने आटा लगाया है क्योंकि इसमें होल है तो स्टीम नहीं निकलना चाहिए। अब ये मैं गैस को तेज कर दे रही हूँ मीडियम हाई फ्लेम में, 15 मिनट एग्जैक्टली होगा। तो देखिए, 15 मिनट ये करके, और ये आटा आपने लगा रखा है, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि स्टीम नहीं निकले, आटे से ढक दिया है। तो चलिए, 15 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए, जब तक हमारी यहाँ पे सूजी बर्गर के लिए वो बन रहे हैं बर्गर बंस, तब तक नेहा ने एक और पैन में तेल डाल के गरम कर रखा है। इसमें हम डालेंगे राई, थोड़ा सा उड़द दाल और थोड़ी सी चना दाल। ये हम बर्गर के लिए बीच का वो बना रहे हैं मसाला तैयार कर रहे हैं। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी करी पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च, एंड अदरक फाइनली हम अच्छे से थोड़ा सेक लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से अनियन। तो देखिए, फाइनली जो आप अनियन यहाँ पे हमने लिए हैं, और ये मूंगफली है रोस्टेड है, और वो डाल रही हूँ मैं, इससे क्रंची बनेगा ये मसाला बहुत। अब ये अनियन को हम सेक लेंगे, फुल फ्लेम पे हम यहाँ पे मसाले को सेक रहे हैं। ये हल्का से देखिए ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये ग्रीन टी, ये बॉयल फ्रोजन ग्रीन टी है। इसको बॉयल कर रखे हैं? नहीं, ये नॉर्मल फ्रोजन को लिया है, फ्रोजन को लिया है, धो लिया है, और बस आप डाल रहे हैं। और ये बॉइल्ड पोटैटो है, ये लेंगे हम, इसका मेन मसाला बॉइल्ड पोटैटो में होगा।
ओके तो देखिए बॉइल्ड मैश्ड आलू यहाँ पर हमने लिए, आप देख सकते हैं कि पीछे नेहा ने कितनी यहाँ पे आपके लिए प्रिपरेशन करी है सूजी बर्गर। इसमें मसाले डालेंगे हम, सॉल्ट, एस्पर टेस्ट, ओके, हल्दी, लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, ही कश्मीरी लाल मिर्च है, ओके, धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और अमचूर पाउडर, इससे खट्टापन आता है। बस ये हम मिक्स कर देंगे। फ्लेम मैंने अभी हाई कर दी, मसाले डालते टाइम मैंने एक बार सिम कर दिया था, ओके। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हम कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता डाल के मसाला बन गया हमारा। यस ये बन गया, बस अब मैं फ्लेम को बंद कर दिया, ओके। तो देखिए 15 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे बर्गर बंस फूल चुके। तो नहीं ये एक कटोरी, हम ये कटोरियां निकाल के अब इनको ठंडा होने पे निकालेंगे, राइट, अपने बर्गर बंस। तो चलिए कटोरियों को निकालते हैं, फिर ठंडा होके हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे बर्गर बंस जो हमने ठंडा होके निकाला है, अब क्या करेंगे नेहा? ये ऐसे थोड़े थिक बंस बनते हैं, हाँ हाँ, फिर इसको हम ऐसे कटिंग करेंगे, इसका दो पार्ट करेंगे, ओके। तो ये देखिए ये ऐसे कट हो गया। अब हम ये जो मसाला हमने बनाया है इस पे हम ये ऐसे फैला देंगे। तो देखिए आलू का मसाला जो हमने बनाया था, उसको अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर लेंगे हम। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे, तो देखिए यहाँ पर अब हमने मसाला लगा लिया है और ये मैं ड्रॉप अप ऑयल ले रही हूँ, आप बटर घी कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी हम ये टमाटर और प्याज बाद में डालेंगे, राइट, कट, ओके। ये नहीं तो सौगी हो जाएगा अभी डालेंगे, ओके। सो ये देखिए अब हमने यहाँ पे बर्गर बन, अब हमें इसको ये ट्रिक ये है कि इसको दबा दबा के इवनली सेकना है, इवनली सेकना है हमको ये, हाँ, प्रेस करके ताकि ये पूरा सिक जाए। अब इसको हम पलट देंगे, अब दूसरे साइड भी सेक देंगे। ये देखिए अब इसको दोनों तरफ से प्रेस करके हम यहाँ पर सेक रहे हैं, और ऐसे ही अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप 3-4 भी बना सकते हैं, राइट, साथ में, हाँ 3-4 बना सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड से ये सिक चुका है हमारा, ये सिक गया है, हाँ हाँ। अब हम ये गैस को बंद कर दिए, ओके। अब ये हमने निकाला, अब इसका हम एक साइड ओपन करेंगे, ओके, जिधर भी हमने वो मसाला नहीं लगाया है वो मैंने ओपन किया। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी चटनी और थोड़ा सा सॉस, ओके। अब इसको हम फैलाएंगे, जो दिखता है वो ही बनेगा आपकी भी किचन में, ये हमारी गारंटी है। तो इतना टेस्टी अगर आपको ये सूजी बर्गर बन यहाँ पे दिख रहा है तो इतना ही टेस्टी आपकी किचन में भी बनेगा। ये ऐसे बच्चों के, तो देखो बच्चों के टिफिन में अब यहाँ रेडी है, और चिप्स भी नया नया रेडी कर रखे हैं ये, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये हमारा सूजी बर्गर बन। ये डेकोरेशन है, आप बिना डेकोरेशन के भी रख सकते हैं स्कूल में। तो देखिए अगर बच्चे इंस्टेंटली खा रहे हैं तो ये डेकोरेशन बिल्कुल अच्छा है। अब हमारा ये टिफिन स्नैक रेडी हो चुका है, अगर टिफिन में रखें तो आप एज इट इज इसको रख सकते हैं। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए ये सूजी बर्गर बंस आपके लिए नेहा आज लेके आई है। थैंक यू सो मच नेहा फॉर अ वंडरफुल रेसिपी, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और जायका का तड़का को फॉलो करना मत भूलिएगा, और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, जहाँ रोज़ आपको नई रेसिपीज़ मिलती रहेंगी।